नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे 9वीं कक्षा का नया पाठ सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है धर्म की आड़। उसके लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी। बच्चों, गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ। उन्होंने कानपुर करेसी दफ्तर में नौकरी की। इसके बाद वे प्रताप साप्ताहिक अखबार उन्होंने शुरू किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके साहित्यिक गुरु थे। इनका अधिकतर जीवन जेल में ही बीता एवं उन्हें जेल में डालने के बाद भी अंग्रेज सरकार संतुष्ट नहीं होती थी, वरन वह तो उनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। परंतु कानपुर में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करने की कोशिश में इन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उनकी रचनाओं के पात्र निर्धन, किसान, मजदूर आदि होते थे, जिनके प्रति इनकी सच्ची हमदर्दी होती थी। उनकी भाषा सरल, सहज परंतु मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती है। ऐसे हैं हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो बच्चों, इन्होंने धर्म की आड़ इस पाठ में आखिर क्या धर्म के बारे में बताया गया है, इसके बारे में आज हम इस पाठ की जानकारी लेते हैं। देखते हैं इस पाठ की रूपरेखा। इस प्रस्तुत पाठ में धर्म के मर्म से संबंधित एक प्रभावकारी निबंध है। इस निबंध में लेखक ने धर्म के विभिन्न आयामों तथा पक्षों को स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार धूर्त लोग स्वार्थ सिद्ध के लिए धर्म की आड़ में समाज व देश के सम्मान को कलुषित कर देते हैं। आम आदमी बिना कुछ जाने समझे कुछ लालची व बुरे लोगों के संकेतों पर उत्पात मचाते हैं। धर्म के अर्थ को जानने वाले सामान्य लोग भी धर्म तथा ईमान की रक्षा के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। इसी बात को स्वार्थी तत्व अपना हथियार बना लेते हैं। धूर्त तथा स्वार्थी लोग सीधे साधे लोगों को बहकाकर हमेशा अनुचित लाभ उठाया करते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं इस पाठ को पढ़कर कि आखिर यहाँ पर उन्होंने धर्म की आड़ क्या चल रहा है, इसके बारे में किस तरह से यहाँ पर आम आदमी को लड़ने भिड़ने का काम कौन कर रहा है और उसका नतीजा क्या हो रहा है, इसके बारे में हम इस पाठ को पढ़कर जानकारी हासिल करते हैं। आखिर वो कौन है जो हमारे आम आदमियों को इस तरह से आपस में लड़वा रहा है, झगड़ा करवा रहा है, जिससे जो वातावरण है वो दूषित कलुषित होता जा रहा है। बच्चों, इसमें सबसे पहले हम कुछ संकेत बिंदुओं के जरिए हम इस पाठ को देखेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है धर्म का दुरुपयोग। यहाँ पर हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बच्चों, पश्चिम देशों में अमीर और गरीब के बीच की असमानता को दूर करने के लिए साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ था, लेकिन भारतवर्ष में यानी हमारे हिंदुस्तान में वह स्थिति नहीं है। यानी अमीर गरीब इस तरह से असमानता नहीं है, बल्कि यहाँ की जनता की शक्ति का दुरुपयोग धर्म की आड़ में किया जा रहा है, जिसका फायदा कुछ स्वार्थी लोग उठा रहे हैं।
यदि इसे नियंत्रित करने का उपाय नहीं ढूंढा गया तो आपसी कलह निरंतर विकराल होती जाएगी। यानी जो आपसी जो कलह है वह बढ़ता ही जाएगा, यही यहाँ पर बताया गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से और कौन है जो यहाँ पर धर्म की आड़ का फ़ायदा लेकर लोगों को इस तरह से बिगाड़ने का काम कर रहा है और किस तरह से कलह बढ़ाने का भी काम कर रहा है। हमारा दूसरा जो बिंदु है वो है धर्म एवं सदाचार के बीच का संबंध। यहाँ पर लेखक के विचार से धर्म की उपासना के लिए सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। धर्म का संबंध आत्मशुद्धता तथा सदाचार से होना चाहिए, क्योंकि सच्चा धर्म यही है। इसे आपसी टकराव या दूसरों की स्वाधीनता की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं बनाना चाहिए। यानी यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर लेखक ने अपने विचारों को प्रकट किया है कि वे कहते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को चाहिए। जो जिस तरह का चाहिए उस तरह का धर्म वो स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। इसे आपसी टकराव या दूसरों की स्वाधीनता नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का धर्म के प्रति दबाव नहीं डाल सकते हैं कि तुम्हें यही धर्म स्वीकार करना है, ये धर्म न स्वीकार करो। इस तरह से हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कर उसे धर्म के प्रति भड़का नहीं सकते हैं। यही यहाँ पर कवि लेखक यहाँ पर कहते हैं। यदि कोई इस प्रकार से धर्म का उपयोग करता है तो वह केवल धर्म का ही विरोध नहीं बल्कि देशद्रोही भी है। इसमें स्वाधीनता संग्राम के उन दिनों को सबसे बुरा माना गया है जब इसमें मौलवियों और धर्मगुरुओं का हस्तक्षेप अवश्य समझा गया, क्योंकि इन्होंने लोगों में मजहबी प्रपंच तथा उत्पात भर दिया। यानी यहाँ पर लेखक का यही कहना है कि धर्म के नाम पर हमारा भारत जब अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हर एक धर्म का जब धर्मगुरु और मौलवी यह स्थान व्यक्ति को दिया गया, और इसी समय से लेखक का मानना है कि वही जो दिन है वह सबसे बुरा है, क्योंकि उन्हीं धर्मगुरुओं ने मौलवियों ने अपनी हुकूमत यानी अपने वर्चस्व अपने आप को बड़ा बनाने के लिए वर्चस्व दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह से मजहबी प्रपंच तथा उत्पात कर दिए। यानी धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाना भिड़वाना शुरू कर दिया। यहाँ पर इस तरह से कवि लेखक ने हमें कहा है। अब देखते हैं कि किस तरह से इन धर्मगुरुओं ने मौलवियों ने लोगों को लड़वाया भिड़वाया और क्या हुआ उसका नतीजा, उसे हम आगे देखते हैं। धर्म की कसौटी हमारा अगला संकेत है। गांधी जी ने धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया। उनके अनुसार धर्म का अर्थ था ऊंचे और उदार तत्व, अजान देने, शंख बजाने, नाग दबाने एवं नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। धर्म का स्पष्ट चिन्ह शुद्ध आचरण करना एवं सदाचार का पालन करना है। 2 घंटे तक पूजा करके या 5 वक्त नमाज पढ़कर यदि भर बेईमानी की जाए एवं दूसरों को तकलीफें पहुंचाई जाएं तो ऐसा धर्म टिक नहीं पाएगा। धर्म या मल मन साहत की कसौटी के केवल मनुष्य का आचरण होती है। यानी यहाँ पर धर्म की कसौटी क्या कही है, यानी क्या व्याख्या है उसकी, तो धर्म की यही उन्होंने बताया कि गांधी जी ने धर्म की सर्वाधिक महत्व दिया धर्म को,
और कौन सा धर्म? तो वही जिसमें लोगों को इस तरह से पूजा पाठ, नमाज पढ़ना, ये सब करने के बाद भी मनुष्य ईश्वर की तो आराधना करता है अपने अपने तरीके से, लेकिन ये सब करने के बाद जब वो बेईमानी करता है, लोगों को तकलीफें देने का काम करता है, तो इस तरह से किसी धर्म ने तो किसी को इस तरह का कोई संदेश तो नहीं दिया है, कोई शिक्षा नहीं दी है, लेकिन धर्म ने किसी को इस तरह से हरकतें करने के लिए नहीं कहा है, तो फिर लोग इस तरह से क्यों करते हैं? यही यहाँ पर लेखक को कहना है। और ऐसा जब लोग करते हैं, जैसे कि 2 घंटे तक पूजा करते हैं या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, उपवास करते हैं, तो इस तरह से ईश्वर अपने अपने धर्म के अनुसार सारे रीति रिवाजों को अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन अपने ईश्वर को, अपने भगवान को इतना मानने के बाद भी यह लोग जब आपस में लड़ते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों को तकलीफें देते हैं, तो ये तो किसी धर्म में नहीं बताया गया है, न धर्म ने यह सिखाया है, तो फिर ये धर्मगुरु इस तरह से लोगों को रोकते क्यों नहीं हैं, उन्हें कोई सबक क्यों नहीं सिखाते हैं? तो इसी तरह से यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसा धर्म किस काम का नहीं है और वो सच्चा नहीं है, क्योंकि हमें पता है, वो एक कहावत है कि धर्म दया धर्म का मूल है। क्या है? दया धर्म का मूल है। बच्चों, हर धर्म में दया भाव दिखाया गया है, दया भाव, परोपकार यही सिखाया गया है, तो फिर ये बेईमानी और दूसरों को तकलीफें देना ये तो नहीं है, तो फिर हम जो सच्चाई है धर्म की, उसे हम क्यों नहीं स्वीकार करते? अगर उसे अगर हमने स्वीकार किया तो इस संसार में दुश्मनी जो है वो नष्ट हो जाएगी और सब एक होकर रहेंगे। यही धर्म की कसौटी यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो लेखक ने यहाँ पर हमें समझाने का प्रयास किया है। सच्चे धर्म में भटकाओ। अब देखो, सच्चा धर्म क्या है? उसमें तो हम भटक ही गए हैं, हम उसे देखते ही नहीं हैं। क्या है उसके बारे में अब हम देखते हैं। हमारे देश में धर्म के नाम पर अपराध और शोषण होते रहते हैं। एक धूर्त व्यक्ति आत्मा तथा ईश्वर के नाम पर जन समूहों को भटकाकर उनकी शक्ति का दुरुपयोग अपना उल्लू सीधा करने में करता है। यह केवल हमारे देश की ही बात नहीं है, बल्कि ऐसा अन्य देशों में भी हो रहा है। धर्म के नाम पर उबल पड़ने वाला साधारण आदमी धर्म के मर्म को जाने बिना ही मरने और मारने पर उतारू हो जाता है, जिससे समाज में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो निरंतर देश को खोखला करती है। इससे राष्ट्र का विकास बाधित होता है। देखो बच्चों, सच्चे धर्म से भटकाव। सच्चा धर्म हमें क्या सिखाता है? जैसे हमने आप पहले देखा है, अगले इसमें से, पिछले इसमें से हमने देखा पॉइंट में कि किस तरह से धर्म ने कहा है कि दया भाव, परोपकार, मनुष्यता, यही धर्म सिखाता है। लेकिन हम धर्म के नाम पर कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, धर्म के नाम पर दुआई देकर हम जो सर्व सामान्य व्यक्ति है, उस धर्म के, उस समाज के निचले स्तर पर रहने वाला आम आदमी है, उसे हम धर्म के नाम पर भड़काते हैं और वो बेचारा अपने धर्म पर इतना प्रभावित है, वो अपने धर्मों को ही अपना कानून मानता है, और वही व्यक्ति उस लड़ने भिड़ने के लिए, यानी मारने, मरने और मारने के लिए उतर आता है, लेकिन नुकसान तो उसी व्यक्ति का होता है, क्योंकि बेचारा तो सर्व सामान्य आदमी है, जन सामान्य है, क्योंकि उसे तो जब वो लड़ता है, भिड़ता है, तो नुकसान उसी का होता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार करते हैं, वो व्यक्ति तो एकदम सुरक्षित रहते हैं, उनका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। बच्चों, जिस तरह से दुख का अधिकार इस पाठ में हमने देखा था कि
अमीर और गरीब लोगों का जो भेद है, जैसे कि हमने शुरू में भी देखा था कि पाश्चात्य देशों में भी इस तरह से अमीर गरीब की असमानता है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर हर एक धर्म में इस तरह की असमानता है। और जो सर्व सामान्य आदमी है हर एक धर्म का, वही सच्चा प्रेम करता है अपने धर्म पर और वही अपने धर्म को कानून मानता है, और उसके लिए कोई उसे थोड़ा सा भी भड़काए बोले तो वो उसके लिए मरने और मारने के लिए उतर जाता है। तो यही यहाँ पर अपराध और शोषण के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को इस तरह से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार करता है। और इसीलिए हमारे देशों में, इस विश्व देश में जो वातावरण है वो बिगड़ता जा रहा है, स्थिति एकदम ख़राब है। आए हर दिन छोटे मोटे कारणों के ऊपर ऐसे मारपीट झगड़े जो हैं वो होते रहते हैं और एकता बिल्कुल बनी नहीं रहती है। ये केवल हमारे ही देश का नहीं बल्कि इस अनेक ऐसे देशों का यह समस्या बन गई है। तो इस तरह से यहाँ पर निरंतर देश को खोखला, यानी यही वातावरण देश को खोखला बनाती है, यानी बिगड़ती रहती, वातावरण में बिगड़ाव लाती है, जिससे राष्ट्र का जो विकास है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा ध्यान ऐसे छोटे छोटे बातों के ऊपर लगे रहते हैं और उसी में बहुत सारा नुकसान होता रहता है और देश का या राष्ट्र का विकास वहाँ पर बाधित होता है, यानी खंडित हो जाता है। यही यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने हमें बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने धर्म के नाम पर बिल्कुल लोगों को भड़काना नहीं है, ना कि उन्हें लड़वाना है और भिड़वाना है। अगर हम शांति से रहेंगे, दया धर्म की तरह अगर हमने हमारे सच्चे धर्म का अगर हमने पालन किया, तो यहाँ पर जो एकता है वो एकता बनी रहेगी और ये झगड़े जो हैं, लड़ाइयाँ जो हैं, छोटे मोटे टंटे होते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे और चारों तरफ सुख शांति बनी रहेगी। अगले इसमें से गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने धर्म के नाम पर शोषण कैसे हो रहा है उसके बारे में आज हम यहाँ पर अभी देखते हैं। साधारण लोगों के लिए केवल लकीर पीटते रहना ही धर्म है। धूर्त एवं चालाक लोग हमेशा ही गरीबों को भटकाकर, उनका शोषण कर, उनके श्रम कराकर, उनसे श्रम कराकर यानी उनसे ही परिश्रम करवाते हैं, कष्ट करवाते हैं, उन्हीं की कमाई से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। ये बदनसीब गरीब सदा से ही चूसे जाते रहे हैं। यह अत्यंत दयनीय स्थिति है जिसके कारण साम्यवाद का उद्रेक हुआ। कुछ स्वार्थी लोग जनसमूह की बुद्धि पर पर्दा डालकर धर्म, ईमान, ईश्वर, आत्मा आदि के नाम पर उन्हें आपस में लड़ाते भिड़ाते रहते हैं और अपना आसन उन्हीं के दम से ऊंचा करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों, धर्म के नाम पर शोषण, यहाँ पर उन्होंने उन धर्मगुरुओं के प्रति जो मौलवी है, हर एक धर्म का जो धर्मगुरु है, श्रेष्ठ है, मुख्य है, उनके बारे में यहाँ पर कहा है कि वे लोग क्या करते हैं, अपना स्थान ऊंचा बनाने के लिए सर्व सामान्य आदमी को भड़काते हैं और उससे लड़ने भिड़ने का काम करवाते हैं। सच्चा भक्त अपने धर्म के लिए वही लड़ता है, अधिक परिश्रम अपने धर्म को बचाने के लिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई आँच न आने के लिए ये सर्व सामान्य आदमी जो गरीब होता है वही उसमें सबसे ज़्यादा चूसा जाता है और वही ज़्यादा प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसे अपने धर्म के प्रति बहुत बड़ा लगाव होता है और इसी तरह से उसे ही यह लोग क्या करते हैं, भड़काते हैं और जनसमूह के बुद्धि पर इस तरह से, बेचारा एक तो कम पढ़ा लिखा होता है, कभी कभी पढ़े लिखे भी नहीं होते और झट से किसी अच्छे व्यक्ति, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, अब उससे बड़े
जो लोग हैं उनका वो कहना मानता है, उनके ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है और वो दूसरे लोगों के साथ लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह अपने धर्म, ईमान, ईश्वर, आत्मा इन सब को मानता है और इन्हीं के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होता है, उद्रेक होता है, भड़क जाता है, गुस्सेला हो जाता है। और इसी तरह से केवल धर्म के लिए लड़ने भिड़ने वाले और अधिक परिश्रम करने वाला उसी हर एक धर्म का गरीब और सर्वसामान्य आदमी ही होता है, और जो ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोग होते हैं वो सब वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं और उनका जो आसन है, उनका जो पद है वो और भी ऊंचा हो जाता है और वो अपने आप को श्रेष्ठ करते हैं। तो जिस तरह से बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमेशा इसी तरह से काम होता रहता है कि कोई भी एक सरकारी योजनाएं हो, वह जब टेंडर पास हो जाता है, उसे जब परमिशन मिलती है, तो वो सर्वसामान्य आदमी तक आते आते तक वो एकदम पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, उस लोगों के हाथ में कुछ लगता ही नहीं है और ऊपर वाला सबसे जो है वो एकदम अमीर बन जाता है, बहुत अच्छी तरह से अपना हाथ साफ कर लेता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी धर्म के नाम पर हो रहा है, ऊंचे पद पर रहने वाले लोग अपने योजनाएं बनाते रहते हैं और वो योजनाओं के लिए लड़ने भिड़ने का काम सर्वसामान्य आदमी करता है, बेचारा लड़ता है, मरता वही है, लेकिन उसके ऊपर वाले लोग एकदम सुरक्षित रहते हैं और आपस में वो बहुत ही अच्छे गहरी दोस्ती में रहते हैं। ये हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट जो है अनेक अलग अलग पार्टियाँ हमारे देश में होती है, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टी के लोग भले ही एक मंच पर कभी आते हैं तो कितनी गहरी दोस्ती उनमें होती है, कितनी अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, लेकिन कभी कभी यही व्यक्ति सर्वसामान्य आदमियों को किस तरह से लड़वाते भिड़वाते हैं और नुकसान तो उस आदमी का रहता होता है जो सामान्य है, जो लड़ रहा है उसी का नुकसान अधिक होता है, लेकिन बाकी सब सुरक्षित रहते हैं। यही यहाँ पर धर्म के नाम पर शोषण के बारे में उन्होंने कहा है। तो धर्म के नाम पर शोषण किसका हो रहा है, तो गरीब लोगों का, जो सर्वसाधारण व्यक्ति है, मनुष्य है, उन लोगों का यहाँ पर ज़्यादा तौर पर शोषण होता है। धर्म की सच्ची उपासना क्या होनी चाहिए, देखते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इसके बारे में हमें क्या बताया है। धर्म तथा ईमान के नाम पर अपराध व शोषण के व्यापार को रोकने के लिए साहस, दृढ़ता व ईमानदारी से उपाय किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रीय विकास असंभव है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। धर्म का सीधा संबंध आत्मा, ईमान, सदाचार तथा ईश्वर से होना चाहिए, न कि आपसी कलह या भिड़त से या अन्य धर्म के प्रति नफरत से। धर्म किसी का अधिकार छीनने या किसी को कुचलने का साधन न बने। यदि किसी धर्म को मानने वाले जबरदस्ती देश के विकास में कहीं टांग अड़ाते हैं तो यह देश की अस्मिता के विरुद्ध है। धर्म की सच्ची उपासना तो आपसी प्रेम और सदाचार से ही निहित है। यानी यहाँ पर लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि धर्म की सच्ची उपासना यही है कि जो व्यक्ति अपने जिस धर्म को चाहता है वो उसे उसी धर्म के प्रति हमें रहना चाहिए, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करनी है और किसी के धर्म को बिल्कुल कम नहीं लेखना है, क्योंकि हर एक धर्म अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ होते हैं। अगर यह बातें अगर हर एक धर्म के व्यक्तियों ने संभाल कर रखी, हर एक का मान सम्मान दिया, तो देश का विकास ज़रूर होगा और कोई किसी के धर्म में टांग अड़ाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये देश के अस्मिता के
विरुद्ध है। धर्म की सच्ची उपासना तो प्रेम और सदाचार में ही है। बस आपस में प्रेम करना है, सदाचार रखना है और सबको साथ लेकर चलना है। तो यही है, क्योंकि हमारे भारत देश की अस्मिता तो यही है, अनेकता में एकता। तो इस तरह से यहाँ पर धर्म की यह सच्ची उपासना लेखक ने हमें बताई है। अब हमारा इस पाठ का आखिरी जो बिंदु है वो है गांधी जी की धर्म संबंधी अवधारणा क्या थी। गांधी जी भी बिना धर्म के एक कदम भी नहीं चलते थे, लेकिन उनके धर्म की परिभाषा जो थी वो थोड़ी अलग थी। वो क्या थी? तो सदाचार, अहिंसा तथा प्रेम पर आधारित थी, जो धर्म की सच्ची उपासना है। जब एक आदमी अपने आचरण को स्वच्छ नहीं कर लेता, तब तक वह धर्म का सच्चा उपासक नहीं बन सकता। चाहे वह कितना भी कुरान पढ़ ले, शंख बजा ले या गायत्री मंत्र का जप कर ले, धर्म के इन सभी बाह्य कृतियों को करते हुए यदि कोई मनुष्य लोगों की आज़ादी छीनने की कोशिश करता है या उन्हें उचित रास्ते से भटकाता है, तो वह निसंदेह देश का दुश्मन है। इनसे अच्छा तो वह नास्तिक है, जो धर्म से परे होकर भी आदर्श मानवीय मूल्यों के साथ जीता है। बच्चों, यहाँ पर आखिरी पॉइंट में तो उन्होंने गांधी जी के धर्म के अवधारणा क्या थी, उनके विचार क्या थे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बिना धर्म के गांधी जी तो एक कदम भी नहीं चलते थे, लेकिन उनका धर्म की परिभाषा थी सदाचार, अहिंसा, प्रेम और इस लोग पर आधारित, इन गुणों पर आधारित थी। वे सच्चा धर्म वही मानते थे कि जो व्यक्ति अपने आचरण को स्वच्छ रखता है, अपने धर्म का सच्चा उपासक है और उसके दिए हुए धर्म के नियमों को वो पूरी तरह से पालन करता है। धर्म के इन सभी जो बाह्य कृतियां हैं जो उन्होंने बताई है, कुरान पढ़ना, शंख बजाना, गायत्री मंत्र, जप तप, ये जो हैं सब बाह्य कृतियां करते हुए कोई मनुष्य लोगों की आज़ादी नहीं छीनता है, यानी कोई किसी के ऊपर तकरार नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर दोष नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हर एक अपने अपने दिए हुए मज़हब की तरह अपना काम कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया कि कोई किसी के कामों में या धर्मों में टांग न अड़ाएं, और यही को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इस तरह से उसके विरुद्ध जाकर काम करता है तो वह एकदम क्या है, देश का दुश्मन है। तो उन्होंने एक नास्तिक के बारे में कहा गया है कि नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता है। तो नास्तिक इस तरह से है कि जिस तरह से वो नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन लोगों में वो ईश्वर को ढूंढता रहता है, उनकी सेवा करता रहता है, और सच्चे जो जीवन मूल्य है हमें उस नास्तिक से मिलते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने कहा है कि धर्म भी वैसे ही होना चाहिए, एक नास्तिक व्यक्ति की तरह होना चाहिए, सबको सिर्फ मनुष्यता के नाते देखना चाहिए, ना कि वहाँ पर जाति धर्म को हमें लेकर आना है। तो बच्चों यहाँ पर धर्म की आड़ इस पाठ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी इन्होंने जनसामान्य को आपस से लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के अवसर की तलाश में रहने वाले लोगों को बेनकाब किया है। ऐसे लोग अपने नापाक इरादों और कुटिल चालों से कुकर्म एवं अनैतिक कार्य करते रहते हैं। ऐसे लोग सरल सीधे लोगों की शक्तियों एवं उत्साह का दुरुपयोग करते हैं, उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर अपना नेतृत्व एवं बड़प्पन कायम रखने की कोशिश करते हैं। लेखक विद्यार्थी जी का कहना यही है कि जनसामान्य धर्म एवं ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने को उचित समझता है। साधारण आदमी धर्म के सच्चे तत्वों से अनजान रहता है तथा परंपराओं एवं प्रथाओं का पालन भी करता रहता है।
धर्म और धर्म समझता भी है। ऐसे लोगों के नापाक इरादों को रोकना अत्यंत आवश्यक है। इन लोगों को यदि बेनकाब नहीं किया गया तो भारत में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले जो झगड़े हैं वो कम नहीं होंगे। लोगों का आपस में लड़ना झगड़ना बंद नहीं होगा। इससे देश की जो एकता है एवं अखंडता को खतरा हो सकता है। देश की स्वाधीनता पर आंच आ सकती है। अतः ऐसे धूर्त एवं स्वार्थी लोगों को बेनकाब किया जाना आवश्यक है। इसी पाठ में एक ऐसा भी उल्लेख किया गया है कि धन की मार से ज़्यादा बुरी है बुद्धि की मार। बच्चों, यहाँ पर ऐसा कहने का उद्देश्य यही है कि आर्थिक शोषण से अधिक खराब एवं खतरनाक होता है। मानसिक शोषण अधिक स्तर पर होने वाले शोषण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का बाह्य पक्ष दुष्प्रभावित होता है, लेकिन उसकी आत्मा स्वच्छ बनी रहती है। इसके विपरीत मानसिक शोषण व्यक्ति के आंतरिक पक्ष को दुष्प्रभावित करता है। व्यक्ति का मस्तिष्क एवं उसकी आत्मा दोनों की स्थिति दयनीय हो जाती है। व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है तथा अत्यंत निम्न स्तर की अमानवीय गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण किए जाने को लेखक बुरा मानता है। वह स्वीकार करता भी है कि धन की मार बुरी होती है। निर्धनता व्यक्ति को अनेक बुरे कृत्यों के लिए विवश कर देती है, लेकिन इसके बावजूद धन की मार से अधिक बुरी होती है बुद्धि की मार, क्योंकि बुद्धि की मार से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है तथा उसमें पशुता के गुण आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की मानवीयता मनुष्यता ही नष्ट हो जाती है और वह जो है वह सच्चे मनुष्य की श्रेणी से बाहर निकल जाता है।